मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी सबसे खास लाडली बहना योजना को लेकर सफल बनाने के लिए खुद मैदान में नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में वे राजधानी भोपाल में योजना के फॉर्म भरने के शिविर में पहुंचे। यहां पर महिलाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और लाडली बहना योजना लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सीएम शिवराज की सपनों की योजना, लाडली बहना योजना को बताया खास। अपनी बहनों के बीच पहुंचे सीएम शिवराज, महिलाओं ने राखी बांधकर की जमकर तारीफ। दरअसल राजधानी भोपाल के रशीदिया स्कूल पर लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने का शिविर आयोजित किया गया था। इस योजना के जरिए महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 1,000 रुपए आएंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैंप में पहुंचे, जहां महिलाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और राखी बांध कर सीएम को धन्यवाद दिया। हाँ नीचे बैठ जाओ। देश के मुखिया, हम सब बहनों के प्यार भैया, नमस्ते। भाई नीचे बैठ जाना। जो आपने लाडली बहना योजना शुरू की, लाडली बहना योजना में हमारा ये हुआ, हमारे साथ साथ हमारी बेटी का लाडली लक्ष्मी योजना में हुआ। आपकी दी हुई 1,000 राशि से हम अपनी आर्थिक स्थिति सुधारेंगे और लाडली लक्ष्मी योजना से हम अपनी बेटी का भविष्य संभालेंगे। आपने हमें सहारा दिया, हमारी बेटी को सहारा दिया, हमारे साथ साथ लाखों बहनों को सहारा दिया, लाखों भांजियों को सहारा दिया। इस अटूट बंधन को मजबूत बनाने के लिए हम आपको भारी मानना चाहते हैं और आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हम लोगों को आगे अच्छा जीवन यापन करने के लिए आपने रास्ता दिया और आप हम बहनों के लिए और बेटियों के लिए ऐसे ही। अरे नीचे बैठ जाओ। ये माइक लेके थोड़ा साइड में आइए ना। अरे यार फोटो, वो फोटो बैठ जाओ भाई। आप रचना जी अपना अनुभव शेयर करें। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने योजना लागू की है। इसके साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी वे काम करेंगे। मेरी लाडली बहनों, भैया का सबको नमस्कार। जब इतनी बहनें साथ हो तो मुझे किसकी नजर लग सकती है। लेकिन ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ये बहनों की जिंदगी में संपूर्ण परिवर्तन का प्रयास है, एक सामाजिक क्रांति है। मेरी बहन अभी कह रही थी कि पैसा अगर होता है तो हिम्मत बढ़ती है। बढ़ती कि नहीं बढ़ती? सब बहनें बताएं, बढ़ती कि नहीं बढ़ती? देखो ये सच्चाई, पास में अगर पैसा है तो तुरंत जरूरत किसी चीज की पड़ी आप पूरी कर दो। मेरी बहनों, आज मैं दिल की बात आपसे करना चाहता हूं। ये योजना है क्यों बना रहा? देखो मैंने बचपन से बेटा और बेटी के बीच में भेद करते हुए देखा था परिवार को ही। मैं अपने गांव में, अपने घर में भी देखता था, भैया आ गया तो बधाई गाओ, ढोल बजाओ, मिठाई बांटो, लड्डू बनाओ, और बेटी अगर पैदा हो गई तो चेहरा उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं कोई आफत आ गई। अब मेरे दिल में तकलीफ होती थी, दर्द होता था कि भाई देखो भगवान ने, ऊपर वाले ने दोनों को बनाया, आदमी भी बनाए और औरत भी बनाई, स्त्री भी बनाई और पुरुष भी बनाए, बेटा भी बनाए और बेटी भी बनाए, तो दोनों को बराबर मानना चाहिए। मानना चाहिए कि नहीं? अरे मानना चाहिए कि नहीं? दोनों को बराबर मानना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं मानते थे और बेटी को मानते थे बोझ। कहां से आ गई? एक जगह मैं बोल रहा था कि बेटी को आने दो, देख अम्मा खड़ी हो गई कि शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बड़ी बड़ी बात कर रहा बेटी को आने। मुझे लगा कि कुछ करना पड़ेगा, और जब मैं कुछ नहीं था, आलोक खड़े हैं, तब भी बेटियों की शादी अपने क्षेत्र में करता था।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने बीच पाकर महिलाओं ने उनके साथ सेल्फी भी खिंचाई, तो वहीं सीएम ने खुद कई महिलाओं के फॉर्म भर सुखद संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।